हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इप्का लेबॉरेटरीज़ के बारे में। एक वीडियो ऑन डिमांड है, हमारे एक बहुत ही रेगुलर व्यूअर हैं मिस्टर प्रदीप काबरा, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है। और इनफैक्ट नॉट ओनली अ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्ड बाय हिम, बट ये एक इनफैक्ट आइडिया है जो उन्होंने ही शेयर किया है कि इप्का लेबॉरेटरीज़ का मैं चार्ट देखूँ और इप्का लेबॉरेटरीज़ का चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है और बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम बन रहा है और लंबे टाइम फ्रेम पर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो इसी तरह के आइडियाज़ हमने पहले भी दिए हैं और पहले भी हमने बात की है, चाहे वो एनसीसी के बारे में बात की हो या फिर जियो फाइनेंस। हमने बहुत निचले स्तर पर सुझाया था और बार बार सुझाया था 240 के आसपास। अब देखिए कहाँ पहुँच चुका है। इसी तरह से जिंदल स्टील एंड पावर हमने बताया था 800 पे। बार बार मैंने बोला था कि 800 पे मौका दे रहा है और अभी देखिए 915 पर पहुंच चुका है। इसी तरह से एनसीसी मैंने बताया था और एनसीसी आज देखिए कितना ज़बरदस्त चला है और एनसीसी में अभी रैली आनी बाकी है, उसको भी अपने रडार पर रखिएगा। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बिकॉज आप चैनल पर आ जरूर हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करें। तो यही एक वे है कि आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं भाई, सो दैट आई कैन पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज हम बात करते हैं इप्का लेबॉरेटरीज़ के बारे में। इप्का में जैसे मिस्टर काबरा ने हमें सुझाया है कि बहुत ही अच्छा एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, और 1250 के आसपास का ये राउंडिंग बॉटम बना है और जो मुकम्मल हुआ है। ये मैंने लाइन आपके सामने डाल दी है ग्रीन कलर की। तो ये एक लेवल है जहाँ पर कि ये ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट भी अच्छा खासा ब्रेकआउट है और अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। और आप देख सकते हैं ये एक राउंडिंग बॉटम है, पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम। और इसका जो लेवल आता है अब, वो लेवल आता है ऑलमोस्ट 1250 पर इसने क्रॉस किया है। और 1250 का जो लेवल था ऑलमोस्ट 1250 1260 के आसपास का ये लेवल है। और 1390 का नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल रहा है एज़ पर इट्स टारगेट। तो 1390 के आसपास का इसमें जो पड़ाव देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल आपको जल्दी ही देखने को मिल सकता है। और इप्का लेबॉरेटरीज़ का चार्ट एनी वेच वे बहुत बढ़िया है। और अगर आप देखते हैं आरएसआई भी, तो डेली के चार्ट पर आरएसआई भी 72 का है, तो इससे बढ़िया तो कुछ और हो नहीं सकता है। और बहुत ही अच्छे से सारे ही मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बनी रहेगा। अगर पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर आपको किसी भी बुरे दिन पर ये थोड़ा सा भी नीचे मिल जाए, अब मेरे को लगता नहीं 1250 के आसपास वापस मिलेगा, बट किसी भी बुरे दिन पर अगर थोड़ा बहुत नीचे मिल जाए, तो 1250 का स्टॉप लॉस लगाकर बिल्कुल इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी भी कोई पोजीशन नहीं है, बट हाँ मैं फ्यूचर में कोई पोजीशन बना सकता हूँ। तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही लीजिएगा। तो ये ध्यान रखिए, अगर पोजीशन है तो बने रह सकते हैं और विद नेक्स्ट टारगेट ऑफ 1390 विद स्टॉप लॉस ऑफ 1250। तो ये एक स्टॉप लॉस भी बता दिया मैंने आपको, टारगेट भी बता दिए। अगर आपके लंबे समय से इसमें बने हुए हैं, तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 1180 या 1130 के आसपास, जो इसका 50 डेमा और 100 डेमा है। तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम का अगर किसी भी दिन इसने तोड़ा 1130 के आसपास, तो फिर इसमें बिल्कुल निकलना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और जो बुलिश मोमेंटम है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हालांकि वो बहुत निचले स्तर हैं अभी, इतने जल्दबाजी में वो स्तर आने वाले हैं नहीं। तो इसमें बिल्कुल अगर नज़दीक का स्टॉप लॉस देखते हैं, 1250 का स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस होगा आप लोगों के लिए। ये हो जाता है डेली का चार्ट। अब देखते हैं एक बार वीकली के चार्ट पर भी, कि वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। और वीकली के चार्ट पर अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक लेवल और है जहाँ पर कि इसने ये पोजीशन बनाई थी ऑलमोस्ट कितने साल पहले, 2021 में। तो ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स पुराना ये एक लेवल है और बहुत ही ज़बरदस्त विशाल का है, एक पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बन रहा है। और यहाँ पर भी जो ब्रेकआउट है, अभी ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 1290 के आसपास आया है। तो 1300 आप पकड़ सकते हैं, 1290-1300 के आसपास का ये ब्रेकआउट है। बट इसमें अभी जो रेजिस्टेंस है वो 1380 के या 1390 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो जैसा हमने डेली के चार्ट पर भी देखा, डेली के चार्ट पर नेक्स्ट टारगेट 1390 है। और अगर वीकली के चार्ट पर देखते हैं, ये राउंडिंग बॉटम का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, वो भी 1390 है। तो बहुत ही सैक्रोसेंट लेवल है और बहुत ही बढ़िया लेवल देखने को मिल रहे हैं इसमें। तो अगर पोजीशन है तो बिल्कुल आप बने रहिए और बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा। 1390 अगर आता है तो फिर इसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा ऑल 1300 का। तो 1390 का निकलता है तो 1390 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 50 रुपया ऊपर बढ़ा लीजिएगा अपने स्टॉप लॉस को, सो दैट आपका प्रॉफिट भी कंजर्व रहे, प्रोटेक्टेड रहे।
RSI देखते हैं वीकली के चार्ट पर, तो वो भी 72 का RSI है, तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है वीकली के चार्ट पर भी। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर कन्वर्ट करके देखते हैं मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। और मंथली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा बहुत ही अच्छी वी शेप रिकवरी आई है इसमें, और वी शेप रिकवरी में अब ये लास्ट पड़ाव देखने को मिलेगा 1380 1390, वहाँ पे अगर ये क्रॉस कर जाता है इसको तो फिर इसमें बड़ी ज़बरदस्त रैली आ सकती है। और इसमें आपको टारगेट्स जो देखने को मिलेंगे वो हैं, वो होंगे ऑलमोस्ट 2100 के। तो लॉन्ग टर्म टारगेट तो 2100 के आप बिल्कुल लेके चल सकते हैं इपका लेबॉरेटरीज पर, बट छोटे छोटे टारगेट्स को चेज़ कीजिए और उसी तरह से अपने मोमेंटम के साथ बिल्कुल बने रहिएगा। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपके भी रडार पर कोई स्टॉक है तो बिल्कुल आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और उस पर भी हम बिल्कुल बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जैसे मिस्टर काबरा ने हमें ये सजेस्ट किया था। और थैंक यू सो मच फॉर दिस काइंड ऑफ सजेशन मिस्टर काबरा, एंड कीप अप द गुड वर्क, एंड हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए, और आगे भी आप हमें इसी तरह से शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज़ भी। तो ये मैंने टारगेट्स बता दिए, स्टॉप लॉसेस बता दिए, अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।